Good morning, 7th class. Today we are going to read our first lesson titled The Flower. आज हम आपको आपकी बुक का जो पहला चैप्टर है दी फ्लावर वो पढ़ाने वाले हैं और आपको वीडियो में चैप्टर दिखाई दे रहा होगा तो फर्स्ट स्टैंजा से पढ़ना चालू करते हैं जो हमारी फर्स्ट चैप्टर है वो एक पोएम है वंस इन अ गोल्डन आवर एक बार एक सुनहरे समय में आई कास्ट टू अर्थ ए सीड वो कह रहा है कि मैंने पृथ्वी पर रख दिया एक बीज को कास्ट मतलब रख दिया अप देयर केम ए फ्लावर और वहां पर एक फूल उग आया द पीपल सेड ए वीड अब यहां पर जो पोएट हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने एक बार एक बीज को मिट्टी में रख दिया और उस बीज से वहां पर एक पौधा उग आया जिसे लोग वीड खरपतवार कहते थे टू एंड फ्रो दे वेंट वो इधर उधर फैले थ्रो माई गार्डन बोअर मेरे गार्डन के मेरे बगीचे के झुरमुट से एंड मटरिंग डिसकंटेंट और असंतुष्टि से बड़बड़ाते हुए कर्ज मी एंड माई फ्लावर उन्होंने मुझे और मेरे फूल को श्राप दिया कोसा देन इट ग्रू सो टॉल तब ये इतना लंबा उगा इट वोर अ क्राउन ऑफ लाइट और इसने एक प्रकाश का मुकुट धारण कर लिया उसने अपने मस्तक पर एक प्रकाश का मुकुट धारण कर लिया अर्थात वह एक पूर्ण फूल के रूप में विकसित हो गया बट थीव्स फ्रॉम ओवर द वॉल परंतु चोरों ने दीवार के ऊपर से स्टोल द सीड बाय नाइट उस बीज को रात्रि में वहां से चुरा लिया सोड इट फार एंड वाइड ये दूर दूर तक फैल गया बाय एवरी टाउन एंड टावर प्रत्येक इमारत तक प्रत्येक कस्बे तक टिल ऑल द पीपल क्राइड जब तक कि हर लोग चिल्लाने लगे स्प्लेंडेड इज द फ्लावर की बड़ा अद्भुत फूल है रीड माई लिटिल फेबल मेरी छोटी कथा को पढ़िए ही दैट रन्स मे रीड वो जो दौड़ता है पढ़ सकता है मोस्ट कैन रेज और ज्यादातर व्यक्ति उगा सकते हैं दी फ्लावर्स नाउ फूलों को अब फॉर ऑल हैव गॉट द सीड क्योंकि उन सभी को वो बीज प्राप्त हो गया एंड सम आर प्रेटी इनफ और कुछ बहुत सुंदर हैं एंड सम आर पुअर इंडीड और वास्तव में कुछ बेचारे हैं गरीब हैं एंड सम अगेन द पीपल कॉल इट बट अ वीड और वो कहता है कि कुछ दोबारा इसे एक खरपतवार ही पुकारते हैं स्टूडेंट्स हमने अपनी पोइम को पढ़ लिया आइए अब इसके जो वर्ड मीनिंग है वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार वर्ड मीनिंग्स में हम आपको चलिए आपको वर्ड मीनिंग नोट कराते हैं जो फर्स्ट वर्ड मीनिंग होगा वो होगा आपका वंस मतलब होता है एक बार कास्ट रख दिया आगे होगा आपका वीड मतलब होता है आपका खरपतवार आगे होगा टू एंड फ्रो इधर उधर आगे होगा आपका बोअर झुरमुट इसे आगे होता है मटरिंग बड़बड़ाते हुए डिसकंटेंट असंतुष्ट कर्ज श्राप देना इससे आगे होता है क्राउन मुकुट
stole, churaya, far and wide, दूर दूर तक टावर इमारत स्प्लेंडेड अद्भुत फेमल कथा रेज ओगाना प्रेटी सुंदर enough काफी again दो बार आज की वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराएंगे तब तक के लिए आप इसके वर्ड मीनिंग नोट करें इन्हें याद करें